साथियों आज गंगा विलास क्रूज की शुरुआत होना भी एक साधारण घटना नहीं है जैसे कोई देश जब अपने दम पर सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करता है तो वो उस देश की तकनीकी क्षमता को दिखाता है वैसे ही 3200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये सफर भारत में इनलैंड वाटरवे के विकास नदी जलमार्गों के लिए बन रहे आधुनिक संसाधनों का एक जीता जागता उदाहरण है 2014 से पहले देश में वाटरवे का थोड़ा बहुत ही उपयोग होता था ये हाल तब था जब भारत में वोटर के माध्यम से व्यापार का हजारों साल पुराना इतिहास था 2014 के बाद से भारत अपनी इस पुरातन ताकत को आधुनिक भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बड़ी शक्ति बनाने में जुटा है हमने देश की बड़ी नदियों में नदी जलमार्गों के विकास के लिए कानून बनाया है विस्तृत एक्शन प्लान बनाया है 2014 में सिर्फ पांच राष्ट्रीय जलमार्ग देश में थे आज 24 राज्यों में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने पर काम हो रहा है इनमें से लगभग दो दर्जन जलमार्गों पर सेवाएं अभी चल रही है आठ वर्ष पहले तक सिर्फ तीस लाख मेट्रिक टन कार्गो ही नदी जलमार्गों से ट्रांसपोर्ट होता था आज ये कैपेसिटी तीन गुना से भी अधिक हो चुकी है नदी जलमार्गों का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है इसमें भी गंगा पर बन रहा ये नेशनल वाटरवे पूरे देश के लिए एक मॉडल की तरह विकसित हो रहा है आज ये वाटरवे ट्रांसपोर्ट ट्रेड और टूरिज्म तीनों के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है